अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो नाइन्थ क्लास का आपका जो पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर था, उसकी आंसर की मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। थोड़ा सा ब्लर्ड है जो डॉक्यूमेंट है, थोड़ा ब्लर्ड है, लेकिन आप मेरी आवाज़ पे गौर करेंगे तो आपको आंसर समझ आ जाएंगे। पहला सवाल था कि नज़रिया पाकिस्तान बुनियादी तौर पर किससे माखूज है, तो इसका दुरुस्त जवाब है रिलीजन इस्लाम। फिर उसके बाद बरे सगीर में दो कौमी नज़रिए के इर्तका की एक बड़ी वजह क्या थी, तो दैट इज़ मुसलमानों की महरूमी। ठीक है, मुसलमानों की महरूमी जो थी, वन ऑफ द मेन रीजंस बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ टू नेशंस थ्योरी इन द सब कॉन्टिनेंट वाज मुसलमानों की महरूमी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि अकॉर्डिंग टू इस्लामिक आइडियोलॉजी द सुप्रीम अथॉरिटी इन इस्लाम इज दैट इज अल्लाह अलमाइटी। फिर उसके बाद अगला सवाल है कि साहरी इलाकों का मौसम क्या होता है, दैट इज मॉडरेट। ठीक है, मॉडरेट यानी कि मुतदिल होता है। उसके बाद सवाल नंबर 5 है कि पाकिस्तान की अहमियत अफगानिस्तान और वस्ती एशिया ममालिक के लिए किस चीज़ की फ्राहमी है, दैट इज़ ट्रेड कॉरिडोर यानी कि तिजारती राहदारी। उसके बाद सवाल नंबर 6 है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान फॉर अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया स्टेट्स इज़ बिकॉज ऑफ द प्रोविजन ऑफ, ये अगेन क्वेश्चन नंबर 5 ही यहाँ पे आ गया। ठीक है, दैट इज़ ट्रेड रूट, ट्रेड कॉरिडोर। उसके बाद अगला सवाल है कि इन पाकिस्तान डैश एरिया इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड, सो दैट इज़ प्लेन्स। उसके बाद सवाल नंबर 7 है कि कैबिनेट मिशन प्लान वॉज सिवियरली अपोज बाय कांग्रेस बिकॉज ऑफ, सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रुपिंग स्कीम ऑफ प्रोविंसेस यानी कि सूबों की ग्रुप्स में तकसीम। उसके बाद सवाल नंबर 8 है कि द इकोनॉमिक मोटिव ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन सब कॉन्टिनेंट वॉज, सो दैट इज़ टू ऑब्टेन रॉ मटेरियल यानी कि खाम माल का उसूल। उसके बाद 1965 के आइन के तहत मुल्क का इंतजामी सरबराह कौन था, सो दैट वॉज प्रेजिडेंट। उसके बाद लास्ट सवाल था कि इन जनरल इलेक्शंस ऑफ 1970 हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स वर वॉन बाय, सो दैट इज़ अवामी लीग। ठीक है, तो ये आप लोगों के एमसीक्यूज हैं, इसके अकॉर्डिंग भी आप मुझे बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए और कितने क्वेश्चंस आप लोगों के गलत हुए। और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।